अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, हरिये से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा, काम से यार मैं वापस आ गया हूँ, तकरीबन 4 हो गए हैं और अभी बैठा हुआ था तो अंकल जी की कॉल है। अंकल जी कहते हैं कि ऐसा क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, काम से वापस आके फारग बैठा हुआ हूँ, कोई काम तो है नहीं है। तो कहते हैं कि आप ऐसा करो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नवीद को साथ में तैयार कर लो। तो हम लोग उन्हें जाना है कलेक्सटॉप, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि कलेक्सटॉप जा रहा हूँ। कलेक्सटॉप यहाँ से 50 किलोमीटर के फासले पर है। तो अंकल जी ने कोई, मेरा ख्याल है वहाँ पर कोई काम करना है, तो कह रहे थे यार मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, साथ में कंपनी के लिए चलो। तो मैंने कहा चले मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो ये देखें ना, मेरी शहजादी गाड़ी खड़ी है। कंपनी की गाड़ी चलाने का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ना इस कंपनी का खासकर, वो ये है कि एक तो पुलिस नहीं आपको रोकती, दूसरा पेट्रोल कंपनी का होता है। तो बड़ा ना इंजॉय करते हैं हम लोग इस चीज़ को, स्पेशली इस गाड़ी में जाने के लिए। और अंकल भी एक और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको मैं डिटेल के साथ बताऊँगा कि वो क्या जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं और कितनी सैलरी है और ड्यूटी आवर्स क्या हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं और नवीद भी सामने खड़ा है, रेडी है साथ में, वो ये देखा हाथ हिला रहा है और बस बाबा जी का वेट हो रहा है। बाबा जी जनाब पूरे फार्म में आ गए हैं और एक मिनट भी आसान नहीं करवा रहे। ये देख रहे हैं आप कि बंदा को थोड़ी बहुत देर के लिए रुक जाता है, वो भी कोई चक्कर नहीं रुकने वाला बाबा जी का। बाबा जी छा गए हैं, नवीद बैठ रहा है और मैं भी अभी जो है ना बैठूँगा। यार हमें इतनी जल्दी है जाने की कि दरवाज़ा खुले छोड़ दिया हुआ था। फिर मैंने जाने देखा, मैंने निकाला कि खैर नहीं, ज़रा मैं दरवाज़ा लॉक कर लूँ। हमारी जल्दियाँ इतनी हैं ना, आपको बता नहीं सकता कि 3 दफ़ा पहले भी दरवाज़ा खुला छोड़ के हम लोग निकल गए बैठे। और अल्लाह का इतना शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा इतना ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी। अल्लाह ताला असी जरा ना अद्धे पौने घंटे ले जी, बाबा जी ने जो काम करना थोड़ा डन हो गया और अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं वापस घर। ये भी दसो कि आया हमने दिखाया नहीं, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं कि बाबा जी आजकल काम क्या कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह बताया लोगों को, मैं ना इस पर डिटेल व्लॉग बनाऊंगा कि बाबा जी आजकल कर क्या रहे हैं। बहरहाल अभी हम लोग घर के लिए निकलने लगे हैं, बस सिंपल। मैं बना रहा हूँ जी रोटियाँ अभी, ये एक रह गए लास्ट वाले और ये बन गई हैं, रोटियां रेडी हो गई हुई हैं। और यहाँ पे बना है जी हमारा मटन, आज नवीद ने बनाया है। तो नवीद अभी बाहर चला गया हुआ है, मेरी सिर्फ मैं सिर्फ बनाते ही रोटियाँ क्योंकि सालन वगैरह नवीद बनाता है, मेरी सिर्फ रोटियां बनाने की बारी होती है ज़्यादातर। आज जुमे का दिन है और हम लोग आ गए हैं जुमा पढ़ने के लिए। और जुमा आज हमारा जो मस्जिद में नहीं हो रहा, आज हो रहा है यहाँ पे ना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। उस क्रिकेट स्टेडियम में जुमा कराने का मकसद ये है कि इसराइल के लिए जितने भी शोधा हैं उनके लिए जो है ना दुआ की जाए। और हम लोग अभी भूले भटके जो है ना फिर रहे हैं कि कौन से ग्राउंड में है। वो सामने अगर मैं दिखाऊँ तो वो नवीद गया हुआ पता करने के लिए सिक्योरिटी वाले से कि इस ग्राउंड में तो नहीं है आज जुमा हो रहा। तो ग्रुप में भी किसी ने मेंशन नहीं किया कि क्या होगा। ये जितने भी बंदे खड़े हैं जो सारे एहतजाज के लिए आए हैं और हम लोग ये जगह दी है उन्होंने, यहाँ पे हम लोग अपना जुमा पढ़ेंगे। ये सारी जितनी कम्युनिटी है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी है, तो ये एहतजाज हो रहा है। Have the heart to see that this woman gives birth without any anesthetic. Can you believe the pain that that woman has to endure when she has to give birth without any anesthetic? Children are going under operations where there is no anesthetic. My dear brothers and friends and sisters, it is a time where. And alhamdulillah, we are so proud of South Africa. The mission of Allah, and Allah is with us, with the steadfast. In this story in the Quran, in Surah Baqarah, if you read it around that verse, this is verse 249. Allah Subhanahu wa Taala speaks about the story. I mean, an important thing I just want to raise about the story in the Quran compared to the biblical version of the story that. This is what the story says. So let me go through some of these points about where we are now in terms of the situation in Palestine. जुम्मा पढ़ के जी हम लोग आ गए हैं पानी लेने के लिए, हमारा हो गया था पानी खत्म।
और नवीद ने पानी ऑलमोस्ट भर लिया है, और जो पकाने के लिए लेना था वो भी हम लोगों ने आज बाय कर लिया पहले ही। और ये हमारा कोई ग्रोसरी स्टोर है, साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, और इसमें भी खड़े हैं मैं और नवीद। जुमा पढ़ के और खाने के लिए जो लेना था वो ले लिया है, और साथ में पानी भी भरवाया, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि पानी हम लोग कहाँ से और किस स्टोर से लेते हैं। और नवीद अभी बैठा हुआ है घर, और मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं घर बात कर रहा था। इस वक्त मेरा टाइम होता है घर फोन करने का, एक घंटा सवा घंटा जितना हो जाए वो मैं करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं घर घर पे, उनसे बात करना होती है, क्योंकि अगर लेट करूँ तो फिर बच्चे सो जाते हैं, तो फिर वो हो सकता है रात को कॉल आ जाए कि बेटा मेरा उठ के कहता है कि बाबा बाबा, तो फिर नींद डिस्टर्ब भी होती है समटाइम नहीं सोया जाता। ये तो थी मेरी रूटीन की जो मैं आपको बता रहा था। आज जो जिस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने आज जो है ना ग्राउंड में जो है ना जुमा क्यों पढ़ा है। वो जुमा इसलिए ग्राउंड में पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका दुनिया का वो इस्लामिक कंट्री तो नहीं है, लेकिन दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने ये जो इसराइल वाले फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल जो अदालत है वहाँ पे केस किया है इसराइल के ख़िलाफ़। तो अभी उसका जो है ना फैसला आने वाला है, और वो कुरान पाक में है ना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है चीलों से अबाबील जो है ना उन्हें मरवा दिया था। ये वही अबाबील वाला काम हो गया कि साउथ अफ्रीका जैसे छोटे से कंट्री, गरीब कंट्री हो गया हुआ है अभी तो अल्लाह ताला ने साउथ अफ्रीका वालों, हालांकि नॉन मुस्लिम हैं सारे, उन्होंने जाके जो है फलस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है इंटरनेशनल काउंसिल में जाके इन्होंने जनाब दी है दरख्वास्त कि ये जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों पे, औरतों के साथ जो है ना रेप हो रहा है। अल्लाह हु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। अगर हम लोग एज ए मुस्लिम इसको सोचें तो कसम से ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो बंदा मेरा ये व्लॉग देख रहा है, मेरे व्लॉग पे जो बंदा कमेंट करेगा, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने आमीन ज़रूर लिखना है, और ये भी लिखना कि अल्लाह ताला जो है फ़लस्तीन वालों को जो है आज़ादी दे। बाकी हमारे इस्लामिक कंट्री जितनी भी हैं उनका भी हक बनता है, लेकिन हम लोग सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं। तो ये जो साउथ अफ्रीका ने स्टेप लिया है, अल्लाह ताला इन्हें उसका जो है अजर अजीम दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।